वेलकम बैक टू हिताक्षी सोर्स। और आज मैं आपके लिए लेके आई हुई इस टाइप की कॉटन की साड़ियाँ जिनपे हल्का सा ये थ्रेड वर्क होता है या फिर ये प्रिंटेड होती है। इस टाइप की साड़ी को आप किस तरह से वियर कर सकते हैं कि आप पार्टी में अट्रैक्टिव लुक दें और एलिगेंट लुक करें और पार्टी में आपको नोटिस भी करें कि साड़ी पहनने का ये परफेक्ट तरीका भी हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिफरेंट टाइप्स के पल्लू स्टाइल और साड़ी को पहनने का अट्रैक्टिव तरीका और जल्दी से कॉटन की साड़ी को हम कैसे पहन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये है वो साड़ी जिसे आज मैं ड्रेप करूंगी और इस पर थोड़ा सा ये थ्रेड वर्क है। इसके साथ लिया है मैंने मिलता जुलता सा एक दुपट्टा और इस दुपट्टे को मैं साड़ी के साथ आपको ड्रेप करके दिखाऊंगी। तो चलिए साड़ी को खोल लेते हैं और साड़ी को खोलते हुए इस तरह से हम साड़ी के लास्ट वाले कॉर्नर में पहुँच जाते हैं। साड़ी को अगर हम ऐसे ही खोल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। यहाँ पे मैंने एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह एक कॉर्नर पे गांठ लगा ली है और हमने इसको नाभि से 2 इंच बिफोर टक करना शुरू किया है। ज़्यादा साइड से इसलिए नहीं किया है क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे करते हैं तो हमारी साड़ी का एक प्लीट कम हो जाता है। और यहाँ एक राउंड करके हम अपना बेसिक टक कंप्लीट कर लेंगे और बेसिक टक को बड़ा नीटली और क्लीन टक करें जिससे कि साड़ी फुली फुली नहीं रहती है। तो यहाँ पे मेरा बेसिक टक कंप्लीट हो गया है और अब हम अपना पल्लू ले लेंगे। पहले हम पल्लू को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कितना बड़ा पल्लू चाहिए। तो ये मैंने रफली प्लीट्स किए हैं और साड़ी को उल्टे हाथ से घुमाते हुए सीधे हाथ के नीचे से लाते हुए हमने इसको अपने लेफ्ट हैंड शोल्डर के ऊपर रख लिया है। जितना मेज़र आपको करना है उतना रख लें। मैं थोड़ा सा नीज के नीचे ही लेती हूँ तो मैंने ये हल्का सा नीज के नीचे इसको ले लिया है और साइड से इसको यहाँ से टाइट करते हुए बॉर्डर को पूरा जितना, अगर आपको बॉर्डर को स्लांटिंग में लेना है तो स्लांटिंग में लेते हुए, और अगर आपको बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट लेना है अपनी स्कर्ट के साथ उस तरह से सेटिंग करते हुए आप अपने राइट हैंड लेग के ऊपर आप इसको यहाँ पिनअप कर लेंगे। वैसे हम हमेशा क्या करते हैं कि मैं साइड से एक्स्ट्रा स्टफ निकाल के उसको राइट हैंड साइड में टक कर लेती हूँ। करने से कई बार जब हम उठते और बैठते हैं ना तो साड़ी या तो लूज़ हो जाती है या कई बार फट भी जाती है अगर हमने उसे पिनअप से टक किया है। अब हम अपने प्लीट्स ले लेंगे और फर्स्ट प्लीट मेज़र करने के लिए यहाँ से हम अपनी एल्बो से लेके और हैंड तक का इतना कपड़ा लेके उसको फर्स्ट प्लीट को मेज़र कर सकते हैं या अपने प्रिंस कट से उसे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्लीट थोड़ा सा बड़ा ले लिया है और उसके बाद मैंने अपनी बची हुई पूरी साड़ी के प्लीट्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी साड़ी के प्लीट्स बन गए हैं और देखो ये प्लीट्स साड़ी में ना अपने आप बन गए हैं, हमें इनको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इनको हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करके हम अपने बाकी अपने सारे प्लीट्स को इस तरह से झटक झटक के हम उनको सेट कर लेंगे और उसको हम टक कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लीट्स को हल्का सा अपने हाथ से ही आयरन करें और आयरन करने के बाद उन्हें अंदर की तरफ टक कर लें। प्लीट्स को आप सेंटर टू नवल टक करें। अगर आप थोड़े मोटे हैं तो आप नवल से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में भी टक कर सकते हैं, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने प्लीट्स को टक कर लिया है और ये साइड वाला पार्ट है जो हम इसको अंदर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ये वाला पार्ट नहीं बचता है अगर आप इस तरह से फर्स्ट प्लीट मेज़र करेंगे। और अब हम अपने प्लीट्स को आयरन कर लेंगे। प्लीट्स को आयरन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारी लेग है उसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके मोड़ लेंगे और उसके ऊपर रख रख के हम अपने पूरे प्लीट्स को आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्लीट्स आयरन हो गए हैं और आप चाहें तो अपने प्लीट्स में यहाँ पे एक पिन भी लगा सकते हैं अगर आपको नीड लगती है, अदरवाइज़ आपको कोई नीड नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे अपने प्लीट्स को ना स्प्रेड कर लें तो उससे आपका एक एक प्लीट नज़र आता है और बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीट्स खिले खिले से लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन प्लीट्स को हल्का सा स्प्रेड कर लिया है तो देखो एक एक प्लीट बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है। अब हम अपना पल्लू सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर को हम सेटिंग कर लेंगे। जैसे अभी आपको बॉर्डर सेट करना है, आपको थोड़ा स्लांटिंग में करना है तो स्लांटिंग में, और आपको स्कर्ट लाइन के साथ करना है तो स्कर्ट लाइन के साथ इसको सेटिंग करते हुए हम अपना यहाँ पे बॉर्डर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा काउल वाला पल्लू सेट किया है, मतलब प्रॉपर जैसे हम बस्ट के ऊपर से टाइट फिटिंग पल्लू लेते हैं ना, सेम वैसे नहीं लिया है, मैंने हल्का सा काउल लिया है झुका हुआ और ये काउल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम अपने शोल्डर पे एक पिन लगा लेंगे। एक पिन हमेशा हम अपने शोल्डर पे आगे लगाते हैं और एक पिन पीछे लगाते हैं। तो पीछे वाला पिन लगाने के लिए आप पहले पीछे से पल्लू को आगे की तरफ पकड़ लें और फिर इस तरह से यहाँ शोल्डर पर पिन लगाएं। तो ये देखिए साड़ी का लुक कितना सुंदर आया, फ्री हैंड में भी थोड़ी डिफरेंट लग रही है। तो चलिए अब ड्रेप कर लेते हैं दुपट्टे के साथ साड़ी को। तो इस दुपट्टे को मैंने लिया और उसका एक कॉर्नर पकड़ के उस कॉर्नर का मैंने एक प्लीट बनाया, यानी उसका एक साइड से जो
बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और उसको अपनी प्लीट्स के साथ ऐड कर लिया है दुपट्टे को, और प्लीट्स के साथ ऐड करके उसे प्लीट के साथ ही हम अंदर की तरफ टक कर लेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया है। तो यहाँ मैंने प्लीट्स के साथ दुपट्टे को अंदर टक कर लिया है। और साड़ी के साथ अगर आप दुपट्टा पहनते हैं ना, तो साड़ी में थोड़ा सा रॉयल लुक आ जाता है, थोड़ी हैवी हो जाती है। यानी अगर आपकी साड़ी बहुत ही लाइट है तो आप उसके साथ थोड़ा हैवी सा दुपट्टा कॉम्बिनेट कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छा लुक देती है। आप फंक्शन पार्टी में पहन के जा सकते हैं, मैरिज फंक्शन में या रिसेप्शन फंक्शन में, इस तरह आप अपनी साड़ी को एक रॉयल लुक दे सकते हैं। और साड़ी को थोड़ा सा स्मार्ट लुक देने के लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी कॉटन साड़ी के साथ विदाउट स्लीव ब्लाउज कैरी करें, तो आपकी साड़ी में ऑटोमेटिकली स्मार्ट लुक आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये दुपट्टा लगने के बाद साड़ी का लुक कुछ इस तरह से आएगा। आप मतलब इसको साड़ी और दुपट्टा का जो पल्लू है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में लें। मेरा दुपट्टा थोड़ा सा छोटा है, तो इस तरह से लुक आएगा। और आप इस दुपट्टे को इस तरह से भी लुक कर सकते हैं एक और वे में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपना जो मेरा नॉर्मल फ्री हैंड था, नॉर्मल फ्री हैंड लिया, और इस दुपट्टे के मैंने फिर से छोटे छोटे से मैंने इसके प्लीट्स बनाए हैं। और इन छोटे छोटे से प्लीट्स को बनाने के बाद हम इनको ना अपने राइट हैंड शोल्डर पर डाल लेंगे। राइट हैंड शोल्डर पर इसको डाल के हम एक पिनअप कर लेंगे, जैसे हम सीधे पल्लू का पिनअप करते हैं ना, सेम ऐसे ही सीधे पल्लू की तरह इसको पिनअप कर लेंगे। यानी हम लगेगा कि जैसे आपने साथ में एक स्टोल लिया है और इसको पिनअप कर लोगे तो ये बार बार गिरेगा भी नहीं, आपको कैरी करने में बहुत ईजी होगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्री हैंड भी ले सकते हैं, मतलब पल्लू भी आपका फ्री हैंड और आपका स्टोल भी फ्री हैंड, या आप पल्लू को प्लीटेड कर लें और आप अपने स्टोल को फ्री हैंड कर लें। आप इसको किसी भी तरह से वियर कर सकते हैं इस टाइप से। तो देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है, हल्की सी साड़ी में रॉयल लुक भी आ गया है। और अब चलते हैं अपने थर्ड स्टाइल की तरफ। तो थर्ड स्टाइल में मैंने क्या किया है, जो हमारा ये पल्लू है ना, इस पल्लू को मैंने नॉर्मली प्लीट कर लिया है। और ये वाला स्टाइल मैंने शायद आपको पहले भी किसी और वीडियो में दिखाया है, कई सारी वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ, अपनी फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था, और अभी पिछली जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें ब्लैक साड़ी वाली वीडियो में भी मैंने ये दिखाया था। तो इसमें यहाँ पे हम अपने पल्लू को प्लीट्स कर लेंगे और इनको हम इस तरह से सेट कर लेंगे। और अगर आपको इस तरह से पल्लू नहीं आते हैं सेट करने, तो स्टार्टिंग के थोड़े से पल्लू सेट करने के बाद उसे अपने कंधे पे रखें और अपनी चिन की हेल्प से उसको दबा लें, और अपने दोनों पंजों को इस तरह से सबसे नीचे वाली लेयर के साथ, दोनों साइड की सबसे नीचे वाली लेयर के साथ इस तरह से सेटिंग करते हुए आप इसको प्लेट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे प्लेट सेट कर लिए हैं, पूरा पल्लू। और ये देखिए कितने अच्छे से ये आयरन भी हो जाता है, और कितने नीट एंड क्लीन प्लीट्स आते हैं, और सारे प्लीट्स इक्वल भी आते हैं, ये प्लीट्स नीचे से झांकते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे प्लीट्स रेडी हो गए हैं। और अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं कि मैंने ये किस तरह से बनाए, तो ये वाले प्लीट्स मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो में दिखाया हुआ है कि हम कैसे बनाते हैं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप प्लीट्स कैसे बनाएं पल्लू प्लीट्स, तो वो भी मैं आई बटन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं मेरी उस वाली वीडियो में। और यहाँ पे देखिए, हम ये वाले सारे प्लीट्स को ना, पल्लू के एक एक प्लीट्स को हम सेट कर लेंगे, और बड़ा अच्छा सा लुक आएगा एक एक प्लीट को सेट करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे ये कितनी फिनिशिंग आई है। और पल्लू का जो ये वाला बॉर्डर है ना, जिसको हम बस्ट पे सेट करते हैं, इसको बस्ट पे सेट ना करके अपनी स्कर्ट लाइन के साथ आप इसको सेट करें, और लाके उसको अपनी नवल से 1 से 1.5 इंच बिफोर आप इसको पिनअप कर लें। तो यहाँ आप इसको स्लांटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉर्डर स्लांटिंग लिया है तो आप राइट हैंड वाला बॉर्डर भी स्लांटिंग लें, और अगर आपने लेफ्ट वाला स्ट्रेट लिया है तो ये भी स्ट्रेट लें। तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे लहंगे के साथ हमने दुपट्टा सेट कर लिया हो। तो यहाँ पे मैंने ये पिनअप कर लिया है, और पिनअप करने के बाद देखिए ये पल्लू का कितना सुंदर लुक आता है, और उसमें पता है बहुत स्लिम भी लगते हैं, जबकि हम कॉटन की साड़ी में इतना स्लिम नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से पल्लू सेट करेंगे ना तो आप बहुत स्लिम लगेंगे। देखो मैं कितनी मोटी हूँ फिर भी मैं इसमें स्लिम दिख रही हूँ, तो इस तरह से आप स्लिम दिख सकते हैं। और अगर आप बेले बटन के शौकीन हैं तो आप बेले बटन लगा सकते हैं इस तरह के पल्लू के साथ, और भी अच्छा लुक आएगा। और बेले बटन लगाने के लिए यहाँ मैंने अपना इयर रिंग यूज़ किया है, और उसको चिपकाया है मैंने ग्लू ड्रॉप की हेल्प से। इस टाइप से ग्लू ड्रॉप्स आते हैं, या आपको किसी भी स्टेशनरी या
जो बर्थडे डेकोरेशन वाली शॉप्स होती हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको डबल टेप से भी चिपका सकते हैं और इसको आप किसी भी तरह ऊपर या नीचे किसी भी स्टाइल से आप इस तरह इयररिंग को सेट कर सकते हैं। और ये देखिए साड़ी का कितना अच्छा लुक आया है। और आप इसी ही पल्लू को आप इस तरह से भी सेट कर सकते हैं जैसे हम सीधे पल्ले में करते हैं, यानी आप कॉटन की साड़ी को कितने सारे वे से पहन सकते हैं। और ये देखो इस वाले वे में भी अच्छी लगती है। और आप इसको जब इस वे में पहने ना तो आप बेल्ट का यूज़ भी कर सकते हैं, अपनी साड़ी से मिलती जुलती कोई भी बेल्ट आप इस तरह से लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से आप थ्री तरीके से अपने पल्लू सेट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो और मेरा आज का साड़ी ड्रेप? अगर आपको मेरे साड़ी ड्रेप पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक प्लीज करना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलती हूँ, फिर मिलूंगी कुछ लेटेस्ट और न्यू ड्रेप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।